सरकारी जमीन पर अज्ञात लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। जमीन पर कब्जा किए जाने को लेकर ये लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा पानीपत के मॉडल टाउन स्थित गौतम नगर का है, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा किए जाने का कॉलोनी वासियों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कॉलोनी वासी इकट्ठा हुए और अवैध कब्जा हटवाने की मांग की। मामले की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। क्या कुछ कहना है कॉलोनी वासियों का, आइए आपको सुनाते हैं। जगह है ना, यहाँ ट्रांसफर लगा है, सरकारी जगह थी है। तो ये जब यहाँ ट्रांसफर हटा ना, यहाँ गली में तीन हादसे हुए, जिसमें एक युवक की जान गई है 16 साल के लड़के की। और उसके बाद हमने वो बाटे जी से सबसे अपील करके यह जगह आंगनबाड़ी के लिए चिन्हित की गई थी, ठीक है जी। उस समय से इससे पहले दो के इसमें स्टे चल रही थी, वो दो नौ बंदे मर गए बुजुर्ग, एक तो सिर्फ धनपंडा था, एक और था जी, दो बंदे मर लिए। उसके बाद इस बंदे ने इस पे अवैध तरीके से अपनी सरकार के अंडर में, ये संजय भाटे खास है उसके अंडर में, ये यहाँ दबाव करके और इसमें कब्जा कर रहा है जी, अवैध कब्जा कर रहा है। कहता मैं डॉक्यूमेंट बना लिए, इस पूरी गली का आज तक रजिस्ट्री नहीं है, तो इसने रजिस्ट्री कहाँ से बना ली? और ये जगह सेल परचेज कहाँ से की इसने? सेल परचेज का कोई रिकॉर्ड दिखाओ। जब सरकारी यहाँ कोई सरिया था यहाँ वो था ट्रांसफार्म, तो आज ये कहाँ से आ गया कि भी इतने रजिस्ट्री करवा ली? किससे परचेज की, किससे ली, किससे नहीं ली? कोई डॉक्यूमेंट थी? आओ जी बताओ, कोई डॉक्यूमेंट दिखाओ इसके, कब्जा करो। अरे हमने भी रजिस्ट्री करवानी अपनी मोहल्ले की, हमने बताओ हम करवा लगे रजिस्ट्री, आज तक हमारी रजिस्ट्री नहीं बनी, इतना अवैध जगह रजिस्ट्री करवा ली। सर ये पंचायती जगह 40 साल से, अरे इसमें ट्रांसफार्म था जी, ठीक है, ये ना कब्जा कर रहे हैं सर। हाँ तो ये किसी की भी नहीं, आंगनबाड़ी बनाओगे इसमें, ऐसे थोड़ी ना कब्जा होने देंगे जी। क्या चाहते हो आप? आंगनबाड़ी बनानी है जी। भैया ये जमीन हमारी है, पुरानी जमीन है हमारी, ये झूठा बेईमान होकर कब्जा कर रहा है। हम तो अपनी आंगनबाड़ी खोलेंगे, हम ये जमीन इसको नहीं देंगे, सीधी सी बात है। चाहे थाने में चलो, चाहे प्रधानमंत्री का चला जाओ, हम नहीं मानते। इसने बला का बाटिया घायल का माला अपने का निकर का नरिया जगह पर कब्जा कर लिया, हम थोड़ी करने दे, ऐसे नहीं करने देंगे। चाहे कोई भी आ गया तो बहुत पड़वाया। ये पंचायती जमीन थी जी, पहले यहाँ ट्रांसफार्मर होता था, तो जमीन के इसी कारण ये लग के इसके साथ लगती थी जमीन। अब ये कह रहे हैं जबरदस्ती के भाई हमारी है जमीन, ये पंचायती है इनकी नहीं है, या तो गली का भी एक साथ में हो या फिर गली के नहीं तो किसी की ना हुई, पंचायती जमीन है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी की माने तो ये पूरा अवैध कब्जे का मामला है। उन्होंने कहा कि जमीन के कागजात देखकर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ पर। अब जैसे आप देख रहे हो पीछे, ये खाली था यहाँ पे, यह ट्रांसफार्मर लगा हुआ था पहले, ये ट्रांसफार्मर शिफ्ट हो गया उस तरफ, तो ट्रांसफार्मर शिफ्ट होते जो इसके पिछले वाली जो दुकान थी, अब इन्होंने उसकी नींव भरनी स्टार्ट कर दी है। वो कहते हैं कि भाई मेरी है, ये कहते हैं कि भाई यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, ये इनकी ज़मीन नहीं है, आंगनबाड़ी की सरकारी ज़मीन है। अगर सरकारी ज़मीन है तो उन्होंने कैसे लगा दिया, कैसे नींव भर दी? अब इसके जो कागज वागज है वो देखेंगे भाई, किसके नाम थी किसके नाम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो अमल में ले जाओगे जल्द से जल्द, इनकी लिखित दरखास्त प्राप्त। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि मिली भक्ति के चलते इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे वहां नहीं होने देंगे। अब देखने की बात ये होगी कि लोगों की बात सुनी जाती है या अवैध जमीन को लेकर कार्रवाई की जाएगी। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।